दिस टाइम। ओके, आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही कोरिलेशन है, आपस में एक संबंध है। ओके बेटा, कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में नया परिवर्तन ला देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, तो प्रत्यय क्या हुआ, प्रत्यय जुड़े अंत में, और उपसर्ग जुड़ते हैं पहले, तो वो शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग, और जो पीछे जुड़कर यानी अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो कहला देते हैं प्रत्यय। ओके, तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करती हूँ, रेत एक शब्द है, इसमें हमने इला प्रत्यय जोड़ा। ओके, रेत क्या है, एक शब्द, इसमें हमने क्या जोड़ा, इला प्रत्यय। तो जब इसका परिवर्तन क्या होकर आया, नया शब्द क्या बना, रेतीला। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के भेदों के बारे में। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ओके स्टूडेंट, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द यानी क्रिया के मूल शब्द, तो जो हमारा मूल शब्द होगा वो क्या होगा, क्रिया। ओके, तो क्रिया के अंत में जुड़कर उन्हें संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि कोई एक शब्द है क्रिया, ओके, उसके अंत में हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय। ओके, तो नया शब्द जो बन के आएगा वो या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए हम एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। उदाहरण देते हैं कि लिख, लिखना क्या है, एक क्रिया, लिख क्रिया है, इसमें हमने इत प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लिखित। ओके, ये लिखित क्या है, जैसे हमने बोला कि लिखित परीक्षा, तो परीक्षा तो संज्ञा हुई, जो लिखित हुआ वो विशेषण। नेक्स्ट हमारा घबरा, घबराना एक क्रिया है और आहट एक प्रत्यय, तो मूल शब्द में हमने आहट एक प्रत्यय जोड़ा तो बन गया घबराहट, और घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा, जैसे घबराहट, मित्रता, शत्रुता, है ना। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला उदाहरण है सड़, जमा ईयर। ओके, सड़ना एक क्रिया है और ईयर एक प्रत्यय, तो सड़ में ईयर प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, सड़ियर, तो हमारा मूल शब्द क्या है, सड़, प्रत्यय जोड़ा ईयर और हमारा क्या बन गया नया शब्द, सड़ियर। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा प्रत्यय और कृत प्रत्यय के बारे में, ठीक है, प्रत्यय का एक ही भेद हमने पढ़ा है, अब पढ़ते हैं हम प्रत्यय के दूसरे भेद यानी तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्दांश, जिन शब्दांश या एक शब्दांश को जो संज्ञा, वो शब्दांश क्या है, वो शब्दांश होना चाहिए संज्ञा, विशेषण, अव्यय, उसके अंत में हम कोई प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे चाचा जमा एरा, तो चाचा क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया था ना कि शब्दांश को संज्ञा या विशेषण या अव्यय, तो या तो वो शब्दांश संज्ञा होना चाहिए या विशेषण या अव्यय, तो चाचा एक संज्ञा शब्द है, इसमें हमने एरा प्रत्यय जोड़ा तो हमारा नया शब्द बन गया चचेरा। ओके क्लियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा मोटा, मोटा क्या है, आपका एक संज्ञा शब्द, इसमें हमने आपा जोड़ा। ओके, क्या जोड़ा, आपा, तो मोटा में हमने आपा जोड़ा तो हमारा नया शब्द क्या बना, मोटापा। क्लियर एवरीवन, एनीवन हैव एनी डाउट, ओके। तो अभी हमने पढ़ा प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों के बारे में, अब हम पढ़ते हैं अभ्यास के लिए कुछ अन्य उदाहरणों को कि कैसे प्रत्यय को हम समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ मैं मूल शब्द और प्रत्यय बताऊंगी और नया शब्द आप लोग बताएंगे कि क्या बना। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने मूल शब्द लिया कड़वा, और कड़वा में मैंने आहट प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द क्या बनेगा, यस, कड़वाहट। क्या बना बेटा, कड़वाहट। नेक्स्ट है हमारा प्यास, ओके, प्यास में मैंने आ प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, आ प्रत्यय, तो क्या बन गया बेटा, प्यासा, क्या बना, प्यासा। तो यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, देखिए अब इनके से हम जरा ये भी पहचान सकते हैं कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय कौन सा है। ओके,
तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ? वेरी गुड, तो ये हुआ तद्धित प्रत्यय। जैसे कड़वा एक विशेषण है, उसने अपने आठ प्रत्यय जोड़ा तो कड़वाहट एक नया शब्द बना। प्यास, प्यास क्या है? यस, प्यास एक हमारा शब्द है, क्रिया, कि प्यास लगी है। ओके, इसमें हमने आठ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया प्यासा, यानी हमारी ये संज्ञा बन गई, भाववाचक। जैसे मैंने बोला कि प्यासा कौवा, तो प्यासा शब्द क्या हुआ हमारा? विशेषण। ओके, और कौवा क्या है? हमारा संज्ञा। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद और अन्य उदाहरणों द्वारा प्रत्यय को समझने की कोशिश की। तो अब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक दोबारा सुनेंगे और प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।